लीनियर इक्वेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए 1 बाई ए इज कॉन्स्टेंट, 1 बाई ए बाहर, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एंड दिस इज अगेन 1 बाई बी बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिवाइड dx, एंड दिस इज योर 0। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नाउ इसको लिख सकते हैं 1 बाई बी डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड भेजते हैं, दिस इज 1 बाई माइनस 1 बाई ए। नाउ डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू हियर माइनस बी बाई ए, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट लीनियर फंक्शन हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, लेट ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए डीवाई डी एक्स क्या लिखेंगे, ए बाहर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, b बाहर y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डीवाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट के लिए 0, तो ये आ गया आपके पास 0। नाउ b डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू, a को हमने राइट साइड भेज दिया, दिस इज माइनस ए। नाउ डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू हियर, दिस इज माइनस ए बाई बी, दिस इज द आंसर। अगेन देयर आर सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, फॉर एग्जाम्पल इफ योर फंक्शन इज y इक्वल्स के एफ एक्स, देन डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू योर k कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो लिख देंगे, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट y इक्वल्स टू इफ योर फंक्शन इज k, दैट मीन्स दिस इज कॉन्स्टेंट, देन डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू वट, दिस इज 0, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट इफ योर फंक्शन इज y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, लेट दोनों के बीच में समेशन हो, सिंपल आइडेंटिटीज या फिर फंक्शन जो हो सिंपल एडिशन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। ओके नेक्स्ट इफ योर फंक्शन इज योर y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखाओ, तब हम क्या करेंगे, यहां पर भी डीवाई डी एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, दिस इज योर वैल्यू। नेक्स्ट इफ योर फंक्शन इज इन प्रोडक्ट फॉर्म एफ एक्स इंटू जी एक्स, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे डीवाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, किसी एक को बाहर कर दीजिए, एफ एक्स बाहर मैंने किया तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डैश मीन्स डिफ्रेंशिएशन, ये सिंबल है डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो जी डैश एक्स प्लस जी एक्स बाहर कीजिए, फिर एफ डैश एक्स, आप किसी एक को भी पहले बाहर कर सकते हैं, दूसरी बार में दूसरे को करेंगे, ये बात याद रखेंगे। थर्ड जो रूल है दैट इज डिविजन रूल, इफ एफ एक्स बाय जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहां पे जी एक्स जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, देन डीवाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डीवाई डी एक्स इक्वल टू डेनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, जी एक्स बाहर कर दीजिए, यहां याद रखना होगा कि जी एक्स को ही बाहर रखना है, देन डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बाहर कर दीजिए और फिर जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, दिस इज जी डैश एक्स, तो यही आपके पास वैल्यू हो गया। ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन के लिए बेसिक आपके पास रूल है, इसी रूल को अप्लाई करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द डीवाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, योर डीवाई डी एक्स विल बी using formula the derivative of sin x is cos x and the derivative of cos x is minus sin x, this is question number 1. Next question number 2, find the divide dx of your y equals sin x minus ex, then divide dx will be your sin x derivative is cos x and the derivative of ex is ex itself। नेक्स्ट तो ये देखिए जब दो फंक्शन बीच में प्लस हो तो हमको प्लस ही साइन लेकर काम करेंगे, तो डेरिवेटिव होने के कारण इसका माइनस साइन है और माइनस हो तो माइनस लेकर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप इस तरह से इस बात को बोल सकते हैं कि इफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज योर फंक्शन देन डीवाई डी एक्स विल बी योर एफ डैश एक्स
प्लस माइनस जी डैश एक्स, ये दोनों को हम सेपरेट ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ योर फंक्शन इज एक्स साइन एक्स, देन अप्लाई प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल डीवाई एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को बाहर कीजिए, एक्स को बाहर किया, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साइन एक्स बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इट मीन्स एक्स बाहर हो गया तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस एक्स, एंड साइन एक्स बाहर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन. सो दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. योर टेन एक्स, टेन एक्स यू कैन राइट टेन एक्स इक्वल्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देन डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एज पर रूल क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नेक्स्ट कॉस एक्स बाहर, अगेन द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन, फिर से हम साइन एक्स बाहर करेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दैट मीन्स दिस इज योर कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज योर कॉस एक्स इन टू कॉस एक्स, और ये माइनस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस साइन एक्स इन टू साइन एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज वन, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज योर सेक स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स द डीवाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स. ऑलवेज रिमेम्बर विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, ये जानना जरूरी है, केवल डिफ्रेंशिएशन यू ही नहीं करते हैं, दो बात समझिए, दिस इज नॉट डीवाई बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज डीवाई डी एक्स, ओके डीवाई डी एक्स नॉट डीवाई बाई डी एक्स, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग योर कि टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स तभी होगा जब ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो, तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको समझना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन. इज वाई इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, देन हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, देन यू कैन राइट वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इन टू साइन एक्स, नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल डीवाई डी एक्स, दिस इज साइन एक्स बाहर रखा हमने, दूसरे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया दिस इज कॉस एक्स, फिर इस साइन एक्स को बाहर रखा दूसरे का किया तो यह आया कॉस एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स इन टू कॉस एक्स साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, दिस इज टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, आप इतना भी लिख सकते हैं. अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया है तो आपको पता होगा इसका एक फॉर्मूला होता है, टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स, ये भी आप लिख सकते हैं. वट इज चेन रूल इन डिफ्रेंशिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज अप्लीकेबल फॉर योर कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन, लेट योर फंक्शन इज एफ जी एक्स, देन डीवाई डी एक्स विल बी हियर, डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हियर एफ डैश जी एक्स एंड टू जी डैश एक्स, दिस इज योर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था साइन स्क्वायर एक्स, तो इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसी मेथड से, तो डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लिखेंगे इसको टू साइन एक्स, अगेन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा कॉस एक्स. इसको तरीके में अगर लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये है और उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप इफिशियंट हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन रूल. फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल्स टू योर रूट अंडर कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डीवाई डी एक्स इसका लिखेंगे, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट, दिस इज कॉस
ई एक्स स्क्वायर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू कॉस ई एक्स स्क्वायर अगेन नेक्स्ट नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स स्क्वायर नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ या डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इस तरह से लिख लीजिए तो ये देखिए क्या आएगा आपके पास डीवाई डी एक्स तो ये डीवाई डी एक्स आ गया आपके पास रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये लिखेंगे 1/2 रूट अंडर दिस इज कॉस ई एक्स स्क्वायर कॉस के लिए डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स के लिए ई एक्स स्क्वायर ही होगा ओके एंड एक्स स्क्वायर के लिए 2x दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल तो इस चेन रूल से आप कर सकते हैं इसके अंदर देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है फंक्शन के अंदर फंक्शन है रूट के अंदर कॉस कॉस के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर एक्स स्क्वायर तो पहले हम रूट का काम किए रूट का डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/2 रूट अंडर एक्स होता है इसको हमने एक्स ट्रीट किया है फिर कॉस का किया जब कॉस का कर रहे हैं तो इसको हम अलग ले लेंगे इस पर कुछ नहीं करेंगे फिर ई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का 2x इस पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है दिस इज चेन रूल दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड तो इस पे हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करते हैं इफ वाई इक्वल्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स लेट अस सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाई इक्वल्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स हियर फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन बाकी को हम वैसे ही रहेंगे ये आपका वैसे ही रहेगा टर्म नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x को बाहर रखेंगे ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स प्लस ई एक्स बाहर x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया नाउ यू कैन राइट माइनस साइन x ई एक्स ई एक्स कॉमन भी ले सकते हैं यहां से ई एक्स कॉमन दिस इज x प्लस 1 दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स कॉस x ई एक्स नेक्स्ट एक और सम लेते हैं इस पे क्वेश्चन y इक्वल्स साइन 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स साइन का डेरिवेटिव हो गया cos बाकी को हम वैसे ही छोड़ेंगे यहां चेन रूल लगा रहे हैं अब फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 3 का डिफरेंशिएशन 0 तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया दिस इज कॉस 2x प्लस 3 एंड दिस इज इनटू 2 दिस इज योर आंसर को डिफरेंशिएट करते हैं यहां पे देखिए प्रोडक्ट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है ये और आपके पास तीन अलग अलग फंक्शन है दिस इज अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx किसी दो फंक्शन को बाहर निकालिए दो को बाहर निकालेंगे cos x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस साइन x फिर प्लस साइन फिर दूसरे को निकालिए ex और cos x को निकाल रहा हूं मैं फिर यहां पे ex cos x निकालने पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 फिर आप निकालिए x cos x बाहर x cos x बाहर ex का डिफरेंशिएशन ex तो यानी कि आपको सबको एक एक बार डिफरेंशिएट करना है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे बाकी टर्म को बाहर रखना है तो ये हम बाकी टर्म को बाहर रखेंगे तो वेरी सिंपल आप आसानी से कर सकते हैं इसको इसको लिखिए x ई एक्स एंड दिस इज माइनस साइन x और दिस इज योर ई एक्स कॉस एक्स एंड दिस इज x कॉस एक्स ई एक्स आप इसके फाइनल आंसर में यू कैन टेक कॉमन ई एक्स कॉमन ले सकते हैं दिस इज योर माइनस x साइन x प्लस कॉस x प्लस x कॉस x दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर दिस टाइप ऑफ फंक्शन जिसका कि डिफरेंशिएशन आपको करना है नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट योर फंक्शन इज y इक्वल्स एक्स ए टू द पावर x तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे dy dx निकालने के लिए दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं लॉग y और इसको लिखेंगे लॉग ax
यहाँ पर क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका बेस जो है वो e है, तो इसको हम ऐसे आप लिख सकते हैं दिस इज x log a बेस e। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां पर हमको लगेगा चेन रूल, यहां चेन रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई, और वाई के लिए लिखेंगे डी वाई डी एक्स, और यहां पर हम एक्स को बाहर करके लॉग ई ए को ए ई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, और फिर लॉग ए बेस ई को बाहर किया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई वाई दिस इज डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये आ गया आपके पास लॉग ए बेस ई। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई को मैं यहां भेज दे रहा हूं, वाई को यहां भेजने पर यह आ गया आपके पास लॉग ए बेस ई, या इसी को लिख सकते हैं डायरेक्ट आप वाई के वैल्यू को पुट कीजिए वाई इक्वल्स टू ए एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स लॉग ए, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि वाई इक्वल्स टू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन है ए एक्स लॉग ए। फॉर एग्जाम्पल इफ योर क्वेश्चन इज वाई इक्वल्स टू टू दी पावर एक्स देन डी वाई डी एक्स विल बी योर टू एक्स लॉग टू, दिस इज योर आंसर। फिर से कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू ई एक्स आपका डिफ्रेंशिएशन इसका करना है तो इसका लिखेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई एक्स लॉग ई, तो यहां ध्यान रखेंगे ई एक्स और लॉग बेस ऑलरेडी ई है, और ये बेस ऑलरेडी ई होने के कारण ये जो टर्म होगा दिस टर्म इज इक्वल टू वन, तो दिस टर्म इज इक्वल टू वन दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी डी वाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास ई एक्स आ गया, तो इससे आपको पता चल गया ex का डिफ्रेंशिएशन ex क्यों होता है। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, इफ y इक्वल्स टू a टू द पावर x दैट मींस dy dx इज a टू द पावर x log a। इफ योर फंक्शन इज y इक्वल्स sin x टू द पावर cos x दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगेन अप्लाई log, तो log लगाएंगे log y इक्वल्स log हियर sin x and this is your cos x, now you can write this is log y equals to is cos x को हम log के बाहर रख सकते हैं, this is the property of log, तो ये log का आपके पास property है, log के property को इस property को आप समझिए log a b n is equal to n log b base a, आप इस property को भी आप समझ लीजिए log base index same हो तो this is equal to 1, आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ लीजिए log ए बी इज इक्वल टू वन बाई log ए बेस बी, यहां पर बेस चेंज हो जाता है, और भी प्रॉपर्टी है इसको आगे देखेंगे हम लोग, तो अब यहां पर हम लगा सकते हैं दिस इज यही चेन रूल, और यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो यहां पर चेन रूल लगाते हैं तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई एंड y के लिए लिखेंगे डी वाई डी एक्स, यहां पर cos x को बाहर कर दिया, log sin x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन अगेन चेन रूल से, देखिए प्रोडक्ट के अंदर चेन रूल 1 बाई sin x का डिफ्रेंशिएशन योर cos x, प्लस log sin x बाहर, log sin x बाहर, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो गया आपके पास माइनस sin x, नाउ यू कैन राइट dy dx, तो dy dx इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे y, और y इनटू ये हो गया cos 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 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin x, एंड दिस इज माइनस माइनस sin x log sin x, ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहां पर y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू है आपके पास sin x टू द पावर cos x, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट दिस इज cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई दिस इज sin x, हियर माइनस sin x अगेन log sin x, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द dy dx ऑफ sin x टू द पावर cos x।